अभी फिजिकल चौकी पर खड़ी हूँ। वन विहार कॉलोनी में एक मामला सामने आया है जहाँ एक ऐसा ग्रोह सक्रिय है जो लोगों की शासकीय भूमि पर भी कब्जा कर रहा है और लोगों की निजी भूमि पर भी कब्जा करता है, वह खंडे डालता है और लोगों से पैसे ऐंठता है। यही ग्रोह अपने शिवपुरी में एक ऐसा ग्रोह भी सक्रिय है जो खेतों की जमीन को प्लॉटिंग में काट रहा है, उसको बेच रहा है। ये इस ग्रोह शिवपुरी में घूम रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस को इसकी खबर ना हो, पुलिस को इसकी पूरी खबर है, पर कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई है। आइए डायरेक्ट पुलिस से जानते हैं क्या कुछ मामला है। अभी जो शिवपुरी में एक मामला देख रहे हैं कि कुछ लोग वन विहार कॉलोनी में मतलब निजी संपत्तियों पर, शासकीय संपत्तियों पर खंडे डालकर अपना अधिकार वहाँ जमा लेते हैं, फिर उनके मालिकों से मिलकर वहाँ पैसे की मांग करते हैं, पैसे लेते हैं। सर क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ फिलहाल में ही हमने फिजिकल चौकी में से संबंधित आवेदन दिया था सर, इस पर कार्रवाई के लिए